अगर आपको चाय पसंद है या फिर कॉफी पसंद है या फिर आप अपने किचन को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स के बारे में जिनको कि आप फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर परचेज कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सत्यम त्यागी है और अगर आप इस चैनल सही खरीदों पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 इलेक्ट्रिक केटल्स परचेज की, उनको यूज किया, उनके अंदर क्या क्या प्रोज हैं, उनके अंदर क्या क्या कॉन्स हैं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में रिसर्च की और उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट के अंदर फिलहाल टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स कौन सी हैं। 3 तरीके की इलेक्ट्रिक केटल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली है स्टेनलेस स्टील बॉडी, दूसरी है ग्लास बॉडी और तीसरी आती है एक प्लास्टिक बॉडी। तीनों की ही बॉइलिंग टाइमिंग अलग अलग होती है और तीनों ही यहाँ पर आपको डिफरेंट प्राइसिंग पर देखने के लिए मिलती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपकी नीड और बजट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल हो सकती है। और फाइनली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नंबर 5th इलेक्ट्रिक केटल के बारे में जो कि यहाँ पर आती है प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला ये मॉडल। इस मॉडल को मैं पिछले 6-7 महीनों से लगातार यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको मिलेगी 1500 वाट की पावर। कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1.5 लीटर की है। स्टेनलेस स्टील बॉडी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है और एक प्लास्टिक हैंडल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। एक पावर इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और इलेक्ट्रिक केटल के हैंडल पे भी यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जिससे कि आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर देखने के लिए मिलता है। कॉर्ड लेंथ की बात करें तो वो यहाँ पर 3 फीट के अराउंड है और वेट की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 750 ग्राम्स है। प्रेस्टीज यहाँ पर आपको देता है टोटल 1 ईयर की वारंटी और फिलहाल अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो वो यहाँ पर 700 रुपीज के अप्रोक्स की है। इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने इसे काफी दिन तक यूज किया है तो इसके अंदर 2 छोटे से कॉन्स हैं। सबसे पहली चीज, इसकी बॉडी पर अगर आप टच करेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज्यादा हीट हो जाता है और सेकेंडली इसका जो बटन है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, उसको आपको अलग से चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कौन अगर आपके लिए बहुत ज्यादा बड़े मेजर कौन नहीं है तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। इसके एफिलिएट लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको जरूर चेकआउट करें। नंबर 4th इलेक्ट्रिक केटल मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है बटरफ्लाई की तरफ से, बटरफ्लाई की EKN इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पर भी आपको मिलेगी 1.5 लीटर की कैपेसिटी। अगेन यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने के लिए मिलेगी और कूल टच हैंडल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर भी आपको फ्रंट में एक स्मार्ट लाइट इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है और ऑटो शट ऑफ और ड्राई बॉइलिंग जैसे फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। कॉर्ड लेंथ की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1 मीटर की है और वेट की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 950 ग्राम्स का है। बटरफ्लाई यहाँ पर आपको देता है टोटल 1 ईयर की वारंटी और फिलहाल अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो वो यहाँ पर 600 रुपीज के अप्रोक्स की है। इसके अंदर भी एक छोटा सा कौन ये है कि इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल की। लिस्ट के अंदर नंबर 3rd इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर आती है हैवल्स की तरफ से, हैवल्स का एक्वा प्लस मॉडल। इस मॉडल को मैंने लगभग 4-5 महीने पहले परचेज किया था और यहाँ पर अगर इसकी कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1.2 लीटर की है। 1500 वॉट की पावर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी और इसकी जो इनर बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील मटेरियल की आपको देखने के लिए मिलती है। आउटर बॉडी की बात करी जाए तो वो यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल की है जो की डबल लेयर कूल टच बॉडी है और लुक्स की बात करी जाए तो वो भी यहाँ पर काफी प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलते हैं। पावर इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और सेफ्टी के लिए ऑटो शट ऑफ और ड्राई बॉइलिंग प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। कॉर्ड लेंथ की बात करें तो वो यहाँ पर 1.5 मीटर की है और वेट की बात करी जाए तो ये केटल यहाँ पर 1.1 केजी की है। हैवल्स यहाँ पर आपको देता है टोटल 2 ईयर्स की वारंटी और फिलहाल अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1500 रुपीज के अप्रोक्स की है। अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिले, काफी ड्यूरेबल हो, फास्ट हीटिंग हो तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। इसके लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको जरूर चेकआउट करें। बात करें अगर इसके कॉन्स की तो इसके अंदर कोई भी हाईली मेजर कॉन नहीं है, लेकिन अगर प्राइसिंग यहाँ पर थोड़ी सी और कम होती तो ये और वर्थ बाइंग प्रोडक्ट बन जाता। नंबर 2nd केटल है हमारे लिस्ट में यहाँ पर आता है अगारो की तरफ से, अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पर भी आपको मिलेगी 1.5 लीटर की कैपेसिटी और यहाँ पर आपको डबल लेयर्ड स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने के लिए मिलती है। आउटर बॉडी की बात करी
है तो वो अगेन यहाँ पर प्लास्टिक की है। कूल टच हैंडल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कॉर्ड लेंथ की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1.2 मीटर्स की है। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो थर्मोस्टैट, ड्राई बॉइलिंग प्रोटेक्शन और ऑटो शट ऑफ जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वेट की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 900 ग्राम्स का है और अगारो यहाँ पर आपको देता है टोटल 2 ईयर्स की वारंटी। फिलहाल अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1300 रुपीज के अप्रोक्सी है। इस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर भी कोई भी हाईली मेजर कौन नहीं है और ये भी आपके लिए काफी ज्यादा वर्थ बाइंग हो सकता है। इसके एफिलिएट लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको जरूर चेकआउट करें। और फाइनली यहाँ पर बात करते हैं अपने नंबर 1 इलेक्ट्रिक केटल के बारे में, जो कि यहाँ पर आती है फिलिप्स की तरफ से। फिलिप्स की 1.5 लीटर इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। 1500 वॉट की पावर और स्टेनलेस स्टील बॉडी आपको देखने के लिए मिलती है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो यहाँ पर 1.5 लीटर की है और फिलिप्स यहाँ पर आपको देता है टोटल 2 ईयर्स की वारंटी। स्पेशल फीचर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी वाइड ओपनिंग देखने के लिए मिलती है और एक कॉनसील हीटिंग एलिमेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक वन टच ओपनिंग लिड भी देखने के लिए मिलेगी और 360 डिग्री कॉर्डलेस बेस भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल इस इलेक्ट्रिक केटल की प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो वो यहाँ पर 2200 रुपीज के अप्रोक्स की है। ये इलेक्ट्रिक केटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है अगर आपका बजट 2000 रुपीज के अप्रोक्स का है। सिर्फ एक छोटा सा कौन ये है कि स्टेनलेस स्टील बॉडी होने की वजह से इसके अंदर आपको थोड़े से आउटर हीटिंग इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा मेजर कौन नहीं है तो आप इसके तरफ जरूर जाएं। इसके एफिलिएट लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और इलेक्ट्रिक केटल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो आप नीचे कॉमेंट जरूर करें।